अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट नूरुल्लैन अख्तर और आप देख रहे हैं प्रमोट पाकिस्तान। फ्रेंड्स, आज हम एक दफ़ा फिर डॉक्टर अख्तर साहब के पास आए हैं अपना एक सवाल लेकर, और बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि 18 इयर्स के बाद हाइट जो है हमारी इम्प्रूव नहीं करती, तो हाइट जिनकी छोटी रह जाती है तो मोस्टली उनका क्वेश्चन था, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो क्या सच में हाइट जो है इम्प्रूव नहीं करती? तो अगर इम्प्रूव नहीं करती तो हमें कब से इसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, और हाइट बढ़ाने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुनता भाई, मैंने आपका सवाल सुन लिया है, तो मैं ये वाजे कर दूं कि रियली इट इज़ राइट कि जो लिमिटेशन है कद के बढ़ने की वो है 18 to 20 ईयर्स से 22 तक भी आप ले जा सकते हैं प्रिकॉशंस में, लेकिन बेहतर ये होता है कि वालदैन बचपन ही से इस पे फोकस करें कि अगर माँ या बाप के कद छोटे हैं या फैमिली में छोटे कद आ रहे हैं तो विरासत की वजह से आगे ये चीज़ें शिफ्ट होती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहिए। तो छोटी उम्र से ही बच्चों को कंसल्ट करके अपने फिजिशियन से तो मेडिसिन स्टार्ट करवा देनी चाहिए। किस एज से कंसल्ट करना चाहिए? वो आप 4-5 साल की उम्र से ही शुरू कर दें, जैसे बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाएं उसी एज से, स्कूल गोइंग एज से शुरू करा दें, सिंपल सी मेडिसिन स्टार्ट कर लें। मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ कि ब्राइटा कार्बिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, आप उसको शुरू से स्टार्ट कर दें। अगर बच्चों को शुरू से कहें 30 पोटेंसी में ले लें और उसके सिर्फ 4-5 कतरे सुबह दोपहर शाम माएँ बच्चों को देना शुरू कर दें, और साथ एक बायोकेमिक कंपाउंड है 5-फासेस, इनको शुरू करा दें। 3-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम बच्चे माओं को खिला दिया करें, रेगुलर रखें। फिर जब वो देखें कि भाई बच्चा जो है 10 और 12 साल की रेंज में आ गया है तो उसके फिर उसको मॉनिटर करें कि उसकी रेशो क्या जा रही है, तो वहाँ से फिर इसी ब्राइटा कार्ड को 200 में डेली देना शुरू करें। और अगर करीब कोई है होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर कंसल्टेंट है तो मशवरा कर लें, नहीं तो हम हाज़िर हैं, किसी किस्म के मशवरा हम देने के लिए तैयार हैं। और दूसरा ये कि अगर विरासत में भी चीज़ें आ रही हैं तो एक मेडिसिन है मेडोरिनम, उसकी एक हाई पोटेंसी से 1000 ताकत में उसके 15 दिन के बाद 2-4 कतरे बच्चे को पिला दें, सिर्फ एक दफ़ा 15 दिन के बाद, और ये इसको कंटिन्यूस रखें। इंशाल्लाह जब वो बच्चा 18 to 20 रेंज में पहुँचेगा इंशाल्लाह अच्छी हाइट में आएगा। अच्छा सर, ये मेडिसिन लेने का तरीक़ाकार भी आप बता देंगे? मेडिसिन जो ड्रॉप्स होते हैं वो आप तो एक चम्मच पानी में दे दें बच्चे को। कितने ड्रॉप्स? 2-3 ड्रॉप्स एक चम्मच पानी में दे दें, सादा सा पानी में। ठीक है। और जो टैबलेट जो होती हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो वैसे ही मुँह में रख के चूस लेते हैं, चबा लेते हैं, वो भी कोई कड़वी नहीं होती, मीठी मीठी से होती हैं, यानी इट्स सो ईजी टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है। और वो जो आपने हाई पोटेंसी की जो मेडिसिन बताई है वो कितने टाइम के बाद रिपीट करनी है? वो मेडोरिनम है, वो आपने 15 दिन के बाद एक डोज दे दी उसे। ठीक है। उसके कितने ड्रॉप्स लेने हैं हमने? वही 4-5 कतरे जो है। ठीक है। अगर बच्चा बड़ा हो गया तो 5 to 10 ड्रॉप्स, छोटे बच्चों को जो है 2-3 कतरे जो है रिपीट करा दें इंशाल्लाह। जब तक बच्चा अपनी नॉर्मल एज में पहुँचेगा तो इंशाल्लाह हाइट बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और मॉनिटरिंग भी करें उसको, बच्चे को दीवार के साथ खड़ा करके निशान लगा दें और देखें कि उसकी एवरेज गेन कैसी है। मंथली इसकी मॉनिटरिंग करें? हाँ जी, मंथली मॉनिटरिंग करें। ठीक है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पेशली पेरेंट्स से कि अपने बच्चों की जो हाइट है उसको 5 ईयर से ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दें, ताकि टाइमली जो है अगर उनकी हाइट गेन नहीं कर रही तो उसका प्रिकॉशन करके मेडिसिन ट्रीटमेंट करके उनको गेन करवाएं, ताकि वो नेचुरली जो है हाइट अपनी अटेम्प्ट कर सकें। तो बाकी आप सब हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है पहुंच सके। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, ताकि हमारी इस तरह की जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपके लिए आपको मिलती रहें, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।